हे गाइज, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सैमसंग M51 के कुछ हाइडन टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि कैमरा के अराउंड आप अलग अलग कलर्स के लाइट्स प्ले कर सकते हैं, उसके साथ AOD को भी इनेबल कर सकते हैं। हाँ गाइज, सो वीडियो को देखना बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ट्रिक से आप रिसेंट में जाते हो और ऐप आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको ओपन इन पॉप अप व्यूज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली आपको MIUI 12 में जो फ्लोटिंग विंडो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, वही सेम ये ऑप्शन आपको इस नाम से MIUI में देखने को मिल जाता है। सो आप मल्टीपल ऐप्स ओपन करके ऐसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और ये एक यार बेस्ट ट्रिक लगा मुझे MIUI का। बात कर लेते हैं सेकंड ट्रिक की। सो आपको पता ही होगा सैमसंग M51 में आपको AMOLED पैनल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे यार बहुत सारे अलवेज ऑन डिस्प्ले आपको फ्री में देखने को मिल जाते हैं, और जो भी आपको पसंद आता है उसको सिंपली आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। सो यार सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे ये सैमसंग के MIUI का। तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको गाइज अपने सेटिंग में आना है, और यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलेगा, तभी आपका नेट ऑन होना चाहिए, फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स देखने को मिल जाते हैं, आइकन पैक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे ही आपको अलवेज ऑन डिस्प्ले के अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्विक टॉगल में आके अलवेज ऑन डिस्प्ले का जो टॉगल मिलेगा उसको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके साथ अलवेज ऑन डिस्प्ले आपको सिस्टम में मिल जाएगा, सो इसको आपको इनेबल करना है। सो यहाँ पे भी आपको क्लॉक वगैरह कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो यार ये जो अलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है, ये बेस्ट फीचर लगा मुझे सैमसंग M51 का। सो यार इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक AMOLED पैनल आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। उसके साथ गाइज यहाँ पे और एक काफ़ी कमाल का मुझे ऑप्शन देखने को मिला। सो आप आते हो सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद एसेसिबिलिटी सर्च करते हो, तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और फ्लैश नोटिफिकेशन को आपको इनेबल करना है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होगा, उसके साथ यहाँ पे स्क्रीन फ्लैश का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन भी यहाँ पे ऐसे जैसे पॉप अप हो रहा है यहाँ पे येलो कलर में, वैसा हो जाएगा जैसे कि प्रीव्यू में आप देख सकते हो। सो यार ये भी बेस्ट फीचर है। सो यार MIUI में आपको छोटे छोटे से कस्टमाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और एक काफ़ी कमाल का फीचर आपको MIUI में देखने को मिल जाता है। आप डिस्प्ले के आधे सेक्शन से स्वाइप डाउन करते हो तो आपका क्विक टॉगल एक्सेस हो जाता है। सो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग में आना है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। सो यार इसको भी इनेबल करके रखना। और दोस्तों फुल स्क्रीन गेस्चर को यूज़ नहीं किया तो यार ज़िंदगी में क्या किया वे। सो यार फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल करना है तो आपको डिस्प्ले सेक्शन में आना पड़ेगा, यहाँ पे नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे नेविगेशन बटन्स आप इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से आप फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल कर सकते हैं। स्वाइप अप किया होम स्क्रीन आया, स्वाइप अप एंड होल्ड किया रिसेंट मेनू आया, और इस गेस्चर लाइन को लेफ्ट राइट स्वाइप किया तो एप्लीकेशन यहाँ पे जो रिसेंट में है ओपन हो जाते हैं। सो ऐसे आप इस फुल स्क्रीन गेस्चर को इनेबल कर सकते हैं। उसके साथ आप वन हैंड को फोन को यूज़ करते हो, सो वन हैंड मोड में आपको इसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार बहुत बड़ी डिस्प्ले है इस फ़ोन की। सो यार कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी वन हैंड की, सो आप वन हैंड मोड को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद एडवांस सेटिंग में आना है, और एडवांस सेटिंग में आपको वन हैंड मोड मिल जाएगा, सिंपली उसे इनेबल करना है, और जो गेस्चर लाइन है उसको स्वाइप डाउन करना है, उसके साथ ही आपका यहाँ पे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। सैमसंग M51 और AMOLED पैनल, और इसमें आप डार्क मोड को इनेबल नहीं करोगे तो चलेगा क्या? हाँ गाइज, आपको डार्क मोड को इनेबल करना चाहिए, और यहाँ पे डार्क मोड का टॉगल देखने को मिलता है, सिंपली वहाँ से भी आप डार्क मोड के अंदर घुस सकते हो, और डार्क मोड को विथ शेड्यूल भी आप फिक्स कर सकते हो। सो गाइज डार्क मोड को जरूर इनेबल करना, ये यार मेरा सबसे बेस्ट फीचर है, इससे बैटरी भी बचता है और आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। उसके साथ क्विक टॉगल में ही आपको डॉल्बी एटम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो यार यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाँ गाइज, आप हेडफोन का यूज़ करके इस डॉल्बी एटम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे यार कॉल का जो ऑडियो होता है, कॉल पे बात करते हो, उस ऑडियो को भी आप
एनहांस कर सकते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको वन यूआई में देखने को मिलती है यार, इतना सारा कस्टमाइज आप कर सकते हो यार। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है। और नेक्स्ट फीचर भी काफ़ी कमाल का है, आपको क्विक टॉगल में देखने को मिलेगा यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर। हाँ गाइस, यहाँ पे 1080p में आप मीडिया साउंड विद मिक का भी ऑप्शन, मतलब मिक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब पबजी का इन गेम साउंड विद आपका जो मिक रहता है वो भी आप इस फ़ोन में रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके साथ यहाँ पे बैटरी परसेंट का ऑप्शन भी आपको इनेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्विक टॉगल में थ्री लाइंस में आइए, स्टेटस बार में आइए और यहाँ पे शो बैटरी परसेंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं। और ये फीचर सबसे बेस्ट है गेमिंग के लिए, जो गेम ज़्यादा खेलते हैं। हाँ गाइस, डिस्प्ले सेक्शन में आपको एक कमाल का ऑप्शन मिलता है, टच सेंसिटिविटी। इसको इनेबल करने के बाद आपका टच रिस्पांस और भी फास्ट हो जाएगा। इसको आपको इनेबल करना ही बनता है आप गेम खेलते हो। उसके साथ जो एक्सीडेंट टचेस होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। सो गाइज, और एक काफ़ी कमल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिला, रिड्यूस एनिमेशंस। सो गाइज, किसी भी ऐप ओपनिंग का जो एनिमेशन होता है उसको आप वन क्लिक में डिसेबल कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो एनिमेशन है वो स्लो है और उसके वजह से ऐप ओपनिंग का जो स्पीड है वो स्लो हो रहा है, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। एडवांस फीचर में आना है और यहाँ पे रिड्यूस एनिमेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और मेन सेटिंग में एडवांस फीचर्स में भी आपको बहुत सारी यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट एंड सम रिकॉर्ड्स देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो नीचे आपको एक टूल बॉक्स मिलेगा देखने को। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट को क्रॉप वगैरह आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं और उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। उसी तरह और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मुझे देखने को मिले, स्मार्ट पॉप अप व्यू। जैसे कि मैंने फ्लोटिंग विंडो का एक्सप्लेन किया, सो आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन के लिए फ्लोटिंग विंडो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कोई भी मैसेज आएगा तो एक बबल टाइप आएगा और उसको क्लिक करने के बाद वो मतलब फ्लोटिंग विंडो में चला जाएगा। और गाइज, एडवांस फीचर्स में आपको और एक काफ़ी कमाल का ऑप्शन देखने मिलता है, यहाँ पे मोशन एंड गेस्चर्स। तो बेसिकली इस फीचर में आपको आप फिंगरप्रिंट के ऊपर स्लाइड करते हो तो आपका क्विक टॉगल नीचे आता है, मतलब नोटिफिकेशन सेंटर वगैरह। सो यार, ये बेस्ट फीचर लगा मुझे, क्योंकि मैं यार इस फीचर को हमेशा यूज़ करता था कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके। सो यार, ये फीचर मुझे अभी फ़ोन में देखने को मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। सो यार, मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। सो यार, ऐसे मोशन वाले फीचर होना चाहिए और हम यार मतलब हर एक चीज़ के लिए कस्टमाइज़ करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। उसके साथ यहाँ पे गेम लॉन्चर का भी ऑप्शन आपको एडवांस फीचर में देखने को मिल जाता है। सो गेम लॉन्चर में आपको गेमिंग के लिए एक लॉन्चर देखने को मिलेगा और उसमें सारे गेम्स आएंगे और यहाँ पे आपको गेमिंग रिलेटेड सारे ऑप्शन और सारे कस्टमाइजेशन, मतलब शाओमी के फ़ोन में जैसे गेम टर्बो देखने को मिलता है वही गेम टर्बो का काम यहाँ पे ये वन यूआई में करता है। उसके साथ मेन सेटिंग में आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी अलग अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। सबसे पहले वॉलपेपर सर्विसेज को नॉन कीजिए और उसके साथ क्लॉक स्टाइल, यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन का क्लॉक स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्लॉक स्टाइल छोड़ के भी आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन का क्लॉक स्टाइल अलग अलग कलर से यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो क्लॉक का डिजिटल एनालॉग वगैरह ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, सच में यार दिल खुश हो जाता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि आपने देखा था कि मैंने एक अलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो फ्रंट कैमरा है उसके अराउंड एक लाइट घूम रहा था वो मैंने दिखाया था। सो यार, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, AOD सर्च करना है। AOD सर्च करने के बाद ये सेकंड नंबर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इसको ओपन करना है, मेन सेटिंग में आना है और नीचे जो भी परमिशन मांगता है सारे परमिशन आपको यहाँ पे इनेबल करना है। सो यार, ये पब्लिक प्लेस में स्टाइल मारने के लिए एप्लीकेशन मुझे सबसे बेस्ट लगा। उसके साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल नॉच सपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपको एक यहाँ पे नॉच का एक सेंटर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। उसके साथ आपका कैमरा का जो पंच होल है वो डिटेक्ट करके वहाँ पे लाइट आ जाएगी और नहीं आ रही तो आप मैन्युअली इसे एडजस्ट कर सकते हो उस लाइट को। उसके साथ इस जो राउंडेड लाइट है इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलते हैं, शाइन टाइट्स पूरा सॉलिड वगैरह। सो इसको आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद आता है वही कलर रख के यहाँ
यहाँ पे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगा, मतलब पब्लिक में छोटा मोटा आप स्टाइल मार सकते हो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके। सो यार, इस लाइट के कलर्स आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे यार कोई भी कलर्स आप यहाँ पे रख सकते हो जो आपको पसंद आता है। सो सारे कस्टमाइजेशन होने के बाद नीचे आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपली यार नीचे आके आपको इस सेटिंग्स को सेव करना है। उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग में जाके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर अलग अलग क्लॉक्स भी रख सकते हो और यहाँ पे बैटरी परसेंट भी रख सकते हो। और वो भी रखने के बाद आपको नीचे सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, सेव करना है। और सेव होने के बाद आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलता है। और इस एप्लीकेशन को आप ओनली प्रीव्यू से ही यूज़ कर पाओगे, एज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करेगा। और पब्लिक में आप यार ऐसे रिंग लाइट का मजा उठा सकते हैं। सो गाइज, इन ट्रिक में से आपको सैमसंग M51 के लिए कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी जरूर कमेंट करना, और आपके पास फोन है कि नहीं ये भी कमेंट करना। और M51 के ऊपर मेरे बहुत सारे नए वीडियोज आने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।